वेलकम बैक। केन घोष से बातें हो रही है, वीडियो कॉन, जीना इसी का नाम है। मैं फिल्म का प्रपोजल जो है आपके पास सबसे पहले कैसे आया? आई हैड गॉन विद फोर स्क्रिप्ट्स बाउंड रेडी, कास्टिंग, प्रपोजल वन रिजेक्टेड, प्रपोजल टू रिजेक्टेड, प्रपोजल थ्री, प्रपोजल फोर, ऑल फोर रिजेक्टेड। एंड रमेश तरानी इज हैज गॉट दिस हैबिट वे ही विल स्टैंड अप के ओके के चलो। तो व्हाइल स्टैंडिंग अप आई गिव हिम अ वन लाइन ऑफ वन लास्ट स्क्रिप्ट। जाते जाते हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, सिट डाउन। सो ही सैट डाउन अगेन एंड ऑन द स्पॉट आई मेड अ स्टोरी व्हिच फाइनली टर्न्ड आउट टू बी इश्क विश्क। कोई और लोग हैं जो आपको उठने को नहीं कहेंगे, मैं उनको बुलाता हूँ, आइए प्लीज। आइए सर, आइए प्लीज सर। आप इनका परिचय तो करवा दीजिए। दिस इज सलील, सलील चतुर्वेदी। ही मेक शर्ट्स इन द डे टाइम, ही इज अ शर्ट मेकर। दिस इज जय शिवग्रमाणी, माय ब्रदर, ही इज द प्रोमो ब्रदर। एंड दिस इज कुकी गुलाटी एंड ही इज माय एसोसिएट डायरेक्टर, बीन बोथ ऑन इश्क विश्क एंड फिदा। हाउ इज इट लाइक बीइंग विद केन घोष? जहाँ तक केन का दोस्ती का हिसाब है, ही इज द लाइफ of the party. He's the same with a 16-year-old, he gets along with a 45-year-old. Jo abhi tak humne suna hai, sabke short word jo hai khatre mein rehte hain. Correct. Salil is not part of the film business, but we've made a promise that we will be honest with each other about each other's work and say, you've messed up over here, you screwed up over here. But ye apni filmon ke idea hai jo pehle aap se discuss karte hain. Yaar ye apne ye banana chahta hu. कि सजेशन सुनता है और ऑब्वियसली जाहिर है उसने हमारे सबके सजेशन लिए, इसके लिए इश्क विश्क हिट पिक्चर हुई। तो वो सजेशन वजेशन लेते रहते हैं, इश्क विश्क चलती रहती है। सर आप लोग प्लीज बैठिए बैठिए, मैं इनसे बातें बातें करता हूँ। कुछ लोग जो हैं कुर्सी पे बिठा के सराहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं बहुत हुआ यार कुर्सी छोड़ो, हाँ मतलब यू नो। तो मैं उन साहब को बुलाता हूँ जो कुर्सी कभी आपको बिठाते हैं कभी उठाते हैं, उनको बुलाता हूँ। आइए सर। और रमेश तरानी, मिस्टर कुमार तरानी। पहली बार जब केन आपसे मिलने आए तो आपने केन का क्या क्या काम पहले देखा हुआ था? इन्होंने बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियो शूट किए थे एंड इज वेरी प्लेजेंट पर्सन, यू नो, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। ऐसे मुलाकात हुई, उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो जब एक फाइनल स्टोरी जब उन्होंने बताया आपको कि आइडिया सुनाई, तो वो बहुत अच्छी लगी हमको। तो हमने उसमें बोला भले आप न्यू स्टार कास्ट लो, भले नई स्टार कास्ट हो, लेकिन हम पिक्चर जरूर बनाएंगे। एज अ फिल्म मेकर, मतलब व्हाट डू यू टू फोरसी फॉर केन घोष? ये फ्यूचर डेफिनेटली है कि ये हर जॉनर में ये स्कोर करेंगे। तो अब ये कुर्सी से उठने वाले नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। बैठ गए, बैठ गए, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब सोफे पे बैठिए सर, हम बहुत मोहब्बत से आपको तशरीफ रखने के लिए। Mentally prepared थे आप इश्क विश्क के लिए? Not at all, not at all. Luckily we took time to start it because the script took time, casting took time. That period I'm glad I had that period, about 1.5-2 years, जिसमें where I'd stopped music videos everything and focused on films. Then I got that chance to prepare. आपको ऐसा क्यों लगा कि इश्क विश्क में जो है आपको बिल्कुल नए लोग लेने हैं? नहीं देखिए, there are some scripts which have can only be done by stars. And there's some scripts which can only be done by newcomers. And luckily we struck gold. उनमें से एक को मैं बुलाता हूँ और उनसे बात करते हैं प्लेन। आइए प्लीज। Hi, how are you? Please आइए। जनाब से आप पहले कब मिली? I think I met you in your old office. जी. और मैं जब इनके ऑफिस में गई थी तो उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया था डायलॉग्स का जो मुझे बाय हार्ट करके इनके सामने बोलना था। एंड ही डिड अ वीडियो टेस्ट विदाउट अ कैमरा बिकॉज़ बाय देन आई थिंक ही हैड सीन सो मेनी ऑडिशंस दैट ही हैड बिकम एन ऑडिशन किंग। या सो ही डिडंट नीड द कैमरा, हिज आईज वर मोर देन इनफ। आपने इस बहुत टैलेंटेड लड़की को कहां और कब देखा था? देयर वाज अ एड व्हिच ही हैड डन, व्हिच इन फैक्ट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज राइटिंग देयर वाज अ सीन आई वाज राइटिंग which was exactly what the ad was, and it for me it was shocking ke I'm writing it and I'm seeing it on television. And I said that's the girl. It was the Karwa Chauth scene in Ishq Vishk. I think he executes the right amount of confidence in his actors. Karke dikhate hain kya?
हाँ करके गा के भी दिखाते हैं यू नो लाइक समथिंग या बट या ही वोंट लेट अस गो ओवरबोर्ड आल्सो एट द सेम ही नोस हाउ टू कंट्रोल हिज एक्टर्स वेरी वेल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चूंकि अमृता भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं और मैं इनको बुलाता हूँ ताकि द पिक्चर गेट्स कंप्लीट प्लीज आइए आप कैसे भाई अमृता का किस्सा तो अमृता ने सुना दिया कि कैसे आप कुछ करवा चौथ टाइप के मूड में थे और सडनली पर्दे पे आप करवा चौथ का ऐड कर रही थी शाहिद साहब क्या कर रहे थे पर्दे पे जब आप कास्टिंग कर रहे थे मैं रिजेक्ट हो गया था आप रिजेक्ट हो गए जी बिल्कुल द फर्स्ट टाइम वी हैड ऑडिशंस एंड दिस इज वन वेरी गुड लुकिंग when we did the test very talented only one problem is too thin so I told Shahid finally listen Shahid you're very good you're a good actor good looker everything's fine but you're too thin here he came back again 6 months later like this he had pumped up and really worked out and with a great physique he came back the good thing was Shahid inko junoon tha ki main ye karke dikhaunga aapne Shahid ko pehle kahan dekha tha जो आपको लगा कि भाई ये दिस इज अनयूजुअली टैलेंटेड बॉय इसको ऑब्वियसली वन हैड सीन द अर्लियर म्यूजिक वीडियोस द एड्स बट देन ही डिसअपीयर्ड वन डिडंट सी मच ऑफ हिम टिल द ऑडिशन एंड दैट इज व्हेन ही आई मीन इट्स ऑब्वियस द टैलेंट इज और फिर आपने फिदा बनाई जिसमें अगेन वी सॉ हिम ऑन स्क्रीन एंड चूंकि फिदा की बात कर रहे हैं तो हम जरा बात को बराबर जमा के करते हैं प्लीज आइए आदाब 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 यहाँ जी सर यू सीन हिज फर्स्ट फिल्म व्हेन यू सेड यस टू आई सॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ कोर्स आई हैडन्ट सीन द होल कंप्लीट फिल्म बट हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट सो आई वाज एक्साइटेड टू वर्क विद हिम नरेशन देने केप टाउन आए थे एंड इट वाज देयर दैट चार दिन के लिए आए थे नरेशन देने और पहले तीन दिन हमने कहानी नहीं सुनी बस पार्टी की हमने केप टाउन में जय भी था साथ में और फिर उन्होंने कहा कि कल मैं जा रहा हूँ जरा कहानी भी सुने तो दैट्स व्हाई वी हर्ड फिदा एंड इट वाज हिज पैशन दैट मेड मी वांटेड टू डू द पिक्चर मोर देन एनीथिंग व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम केन घोष नाउ इट वोंट बी अ कैंपस फिल्म एंड इट वोंट बी टू लव स्टोरीज व्हिच डिड नॉट हैव अ परफेक्ट एंडिंग दैट आई कैन गारंटी व्हाट इट विल बी आई डोंट नो आई जनरली हैव द लास्ट वर्ड ऐसा मेरा प्रिविलेज रहता है लेकिन बहुत हसीन लोग अतराफ में हैं केन घोष जो हैं बेचारे बहुत कम बोले हैं जब से दाखिल हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अलविदा कर लूं उसके बाद केन जाने उनके दोस्त जाने जो होना है होता रहे मैं जो है अगले हफ्ते मिलने का वादा करके और केन घोष का शुक्रिया अदा करके ऑडियंस से मतलब अलविदा कहता हूँ और आप जो हैं अब आप जिस तरह चाहें केन यू आर वेयरिंग अ शर्ट भाई किसी को कसर वसर पूरी करनी हो तो ये मौका अच्छा आई हैव कम विद प्रोटेक्शन चाहे तो बनियान बनियान पहन रहा है चलो टर को रेप आ ओके